नमस्कार, मेरा नाम मयंक शेखर है और मैं एक पाउच पैकेजिंग मशीन बनाने की कंपनी का संचालन करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास लेके आया हूं एक पोहा पैकिंग मशीन। ये पोहा पैकिंग और मूढ़ी पैकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मशीन है। मैं कई सारे पोहा मैन्युफैक्चरर से और मूढ़ी मैन्युफैक्चरर से मिला हूँ और मैंने ये पाया उनसे उनसे डिस्कशन करके कि एक पोहा मिल में या एक मूढ़ी मिल के अंदर जो रिटेल पैकिंग होती है वो आमतौर से 500 ग्राम और 1 किलो की होती है, और सारा का सारा काम ये मैनुअली पैकिंग के ऊपर हो रहा होता है, जो वो ठेके के ऊपर कराते हैं, कुछ पैसे देते हैं उनको पर पाउच के, जिसके बेसिस पे वो सारा का सारा पैकिंग होता है। अब समझने की बात ये है कि इस प्रक्रिया से जब वो ठेके पे पैकिंग करते हैं तो उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैन पावर सही टाइम पे नहीं मिलती, वजन की एक्यूरेसी सही नहीं आती, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाता। मार्केट से डिमांड आ रही होती है और उतना मटेरियल यहाँ से बन तो जाता है मगर वो पैक होके नहीं निकल पाता। तो मैं आपके लिए एक ऐसी मशीन लेके आया हूँ, पोहा पैकिंग मशीन, मूढ़ी पैकिंग मशीन, जो कि आपकी इन सारी समस्याओं को सॉल्व कर देगी। आमतौर पे ये जो 500 ग्राम और 1 किलो की जो पैकिंग होती है पोहा और मूढ़ी की, ये लड़ी में पैक नहीं होती, ये इंडिविजुअल पैकेट्स होते हैं। और हमारे लोगों का, जो यूजर्स हैं, उनका एक धारणा है कि नहीं, हम तो अगर प्रॉब्लम है तो फुल ऑटोमेटिक मशीन लगा देंगे तो सब काम सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितनी आप ऑटोमेशन का लेवल बढ़ाएंगे उतना आपका ऑपरेटर का स्किल लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये जो मशीन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये जो है करीब करीब आपके चार से छह पैकेट 1 मिनट के अंदर पैक कर देती है, और अगर 1 किलो की बात करें तो आपको 5 पैकेट 6 पैकेट आराम से मिल जाएंगे, यानी कि घंटे के 300 से 350 पौने 400 पैकेट पर आवर आराम से मिल सकते हैं इसके अंदर। अगर 1 किलो की बात करें तो 300 350 400 kg/h की प्रोडक्शन आप कर पा रहेंगे इस मशीन से। अगर आप एक पोहा मिल की या मूढ़ी मिल की बात करें तो उनकी कुछ बल्क पैकिंग भी होती है, यानी कि उनके जो प्रोडक्शन है उसका कुछ औसत जो है 25 किलो की बोरी में या 10 किलो की या 20 किलो की जो भी बड़ी पैकिंग है उसके अंदर भी चला जाता है। तो रिटेल पैकिंग के लिए कुछ सारा का सारा प्रोडक्शन नहीं करना होता है, और उस सारे के लिए ये मशीन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इस मशीन के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें देखिए, एक ऊपर एक हॉपर दिया गया है जिसके अंदर कि आप माल डालेंगे। आपके पास अगर कोई बड़ा साइलो है तो वहां से एक पाइप लेके सीधा इस मशीन में डाला जा सकता है। वहां इस हॉपर से माल एक वाइब्रेटरी फीडर के थ्रू आता है। ये देखिए, ये एक वाइब्रेटरी फीडर है, यहां से माल आता है, और उसके दो मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं, एक कोर्स मोड होता है, एक फाइन मोड होता है। जैसे अगर मेरे को 1 किलो पैक करना है तो 900 से 950 ग्राम तेजी से आएगा, बाकी धीरे धीरे करके गिरेगा ताकि मेरा टारगेट वेट जब पहुंचे तो वाइब्रेटर रुक जाए। वजन पूरा होने के बाद ये पैन जो वजन करता है, ये नीचे से खुल जाता है और माल नीचे गिर जाता है डिस्चार्ज फनल के थ्रू। आप अपनी थैली को नीचे लगाइए और फिर बैंड सीलर में उसको सील कर लीजिए। इस प्रक्रिया से आप करीब करीब जो मैंने प्रोडक्शन आपको पहले बताई है उतना आराम से कर पाएंगे। अब इस मशीन के बारे में अगर मैं डिटेल में देखूं, जो इसका कंट्रोल सेंटर है, जो इसका ब्रेन है, वो यहाँ पे पीछे दिया गया है। ये एक टच स्क्रीन HMI है, जिसको कि कोई भी मोबाइल फोन ऑपरेट जो करना जानता है वो इसको चलाना बड़े आसानी से सीख सकता है। इस मशीन के अंदर मैं बहुत सारे वजन सेट कर सकता हूँ, 20 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के, और वो सारा का सारा सेटिंग इसके टच पैनल के थ्रू हो जाएगा। और जैसे मोबाइल फोन के अंदर हम कॉन्टैक्ट लिस्ट से निकालते हैं नंबर, वैसे ही उसको निकाल लिया जाता है और इसको रन कर दिया जाता है। तो मैं अब आपको इस मशीन को चलते हुए पोहा के अंदर दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करती है। अब आइए हम इसमें पोहा पैक होते हुए देखेंगे। मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया है, मेरे पैर में एक फुट स्विच है, मैंने फुट स्विच दबाया, माल आ गया पोहे का इसमें, और मैंने बैंड सीलर में लगाया और ये सील हो गया। अब आप देख रहे हैं मैं एक ही व्यक्ति हूँ और मैं ये वजन का सारा और पैकिंग का काम एक ही आदमी कर पा रहा है इसके अंदर। इसको चलाना बहुत ही आसान है, सीलिंग इसमें खासी अच्छी आ रही है। ये देखिए, ये आया पोहा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जितनी देर के अंदर मैं पैक करता, थैली उठाता हूं, उसको नीचे लगाता हूं, फिर उसको सीलर में लगाता हूं, इतनी देर में लगभग मशीन एक थैली मेरे लिए तैयार कर देती है। तो कॉन्टिन्यूसली मेरे को माल मिल रहा है उसको सीलिंग करने के लिए। और इस प्रक्रिया से अगर आप देखेंगे तो आप अपनी एक दिन की दिहाड़ी एक हेल्पर की दीजिए,
उसको डिवाइड कर दीजिए 3,500 से, तो आपको पर पाउच की कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट आपकी मैन पावर की मिल जाएगी, और उसको कंपेयर कीजिए आपके एग्जिस्टिंग ठेके के रेट से जो आप दे रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। प्लस आपकी जो डिपेंडेंस है स्पेसिफिक लोगों के ऊपर वो सारी दूर हो जाएगी। किसी भी आदमी को आप एक बार ही सेटिंग कर दिया, आपने किसी को भी बिठा देना है वो इसको चलाता रहेगा, लेडीज़ भी इसको चला सकती हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं कि इसको चलाना रन करना बहुत बहुत आसान है, और पूरी की पूरी आपकी प्रोडक्शन को एक दूसरे लेवल पे ले जाएगा। और अगर आपकी प्रोडक्शन इस मशीन की कैपेसिटी क्षमता से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा मशीन लगा लीजिए, दो लगा लीजिए, तीन लगा लीजिए, चार लगा लीजिए, चार ही तो लोग लगेंगे और आपका कितना ज़्यादा प्रोडक्शन निकल जाएगा। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो बड़ा आसान है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालिए, वो हमारे पास आ जाएगी और हमारे एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट आपसे बात करेंगे और आपको आपकी प्रॉब्लम समझ के आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन देंगे।